अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एवीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार राजधानी दिल्ली में हो रहा है। यह अधिवेशन दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए मैदान में गुरुवार को शुरू हो गया है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन करने पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल व भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक श्रीराम मंदिर शीर्षक पर प्रस्ताव पारित किए गए। आपको बता दें कि एवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीना और अंकिता पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में दोनों प्रस्ताव रखे। राष्ट्रीय महामंत्री यागवल्लभ शुक्ल ने कहा कि एवीपी ने श्रीराम मंदिर व महिलाओं की सुरक्षा व संवर्धन जैसे विषयों से संबंधित आंदोलनों का नेतृत्व किया है। पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दत्ताजी डिडोलकर को समर्पित चित्रकला प्रदर्शन का उद्घाटन और सामूहिक वंदे मातरम गान से हुआ। आपको बता दें कि 8 थीमों पर आधारित और 9 सेक्शन में बनाई गई प्रदर्शनी को देश भर के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से 200 छात्रों ने बनाया है। प्रदर्शनी में 160 कलाकृतियां लगाई गई हैं। गुरुवार शाम हुए वंदे मातरम के सामूहिक गान में 8500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 150 दृष्टिबाधित छात्रों ने तिरंगे की आकृति बनाकर नेतृत्व किया। आपको बता दें कि इससे पहले एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही ने राष्ट्रीय महामंत्री श्री यागवल्लभ शुक्ल ने ध्वजारोहण किया। आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रायगढ़ किले से शुरू की गई हिंदवी स्वराज यात्रा बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंची, जिसका भव्य स्वागत कार्यक्रम स्थल पर किया गया। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एवीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार राजधानी दिल्ली में हो रहा है और यह कार्यक्रम बुराड़ी स्थित डीडीए मैदान में गुरुवार से शुरू हो गया है, जो कि 10 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर से एवीवीपी के छात्र और एवीवीपी से जुड़े लोग यहां पहुंचे हैं और यहां का नजारा देखते ही बन रहा है।